नमस्कार दर्शकों, आपने अक्सर ये देखा होगा कि हम भगवान को लहसुन और प्याज से बने भोजन का भोग नहीं लगाते। तो दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि हम भगवान को लहसुन और प्याज से बने भोजन का भोग क्यों नहीं लगाते? जी हाँ दोस्तों, इस सवाल का जवाब बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि देवी देवताओं को हम लहसुन और प्याज नहीं खिलाते हैं। कहते हैं कि भगवान को हम सात्विक भोजन ही खिलाते हैं ताकि कोई पाप ना चढ़े और धर्म भ्रष्ट ना हो। तो आपको भी बता देते हैं कि क्यों नहीं चढ़ता है भगवान को लहसुन और प्याज। दरअसल शास्त्रों में लहसुन और प्याज को सात्विक नहीं माना जाता। कहा जाता है कि लहसुन और प्याज इंसान के गुस्से को बढ़ाता है और राक्षसी प्रवृत्ति का माना जाता है। इसी कारण कुछ लोग खुद के खाने में भी लहसुन और प्याज नहीं खाते, साथ ही इन्हें अपवित्र भी माना गया है। इसे ग्रहण करने से अशांति पैदा होती है और दिमाग नकारात्मकता की ओर भागता है। इसी चिंता के चलते हम देवी देव को भी लहसुन प्याज कभी नहीं चढ़ाते, कभी इनका भोग नहीं लगाते। इसी के साथ एक पौराणिक कथा भी इस बात से जुड़ी है। ये सभी जानते हैं, जब समुद्र मंथन हो रहा था तब अमृत पीने के लिए राहु और केतु ने छल से अमृत ले लिया था। जब भगवान विष्णु को पता चला तो उन्होंने उनके सिर काट दिए थे, लेकिन अमृत पीने के कारण वे सिर से जिंदा ही थे, यानी मरकर भी वो मरे नहीं थे। बताया ये भी जाता है कि इसी में जब रक्त की बूंदें जमीन पर गिरी थी, जिससे प्याज और लहसुन बने हैं। हालांकि लहसुन और प्याज में रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है क्योंकि ये अमृत से बने हैं, लेकिन राक्षस से उत्पन्न होने के कारण इन्हें भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। यही कारण है कि कुछ लोग लहसुन और प्याज का ज्यादा उपयोग नहीं करते, क्योंकि ये मनुष्य का मन पूजा अर्चना से भटकाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से रजत की रिपोर्ट।